हेलो गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले फैब्रिक को चौड़ाई में डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। खुली साइड अपनी साइड कर लेंगी और बंद साइड बाहर की तरफ रखेंगी। नीचे की साइड स्केल रख के फैब्रिक को सीधा कर लेंगी। अब हम मेजरमेंट लिखेंगे। तो गाइस, हमारा हिप का साइज 39 इंच है और लेंथ 33 इंच है, और जो हमारी मोरी रहेगी वो 12 इंच की रहेगी। इसी नाप के हिसाब से हम ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड कुछ इस तरह 1/2 इंच का एक मार्क लगा के और सीधा लाइन कर लेना है। जो हमारा नीचे की साइड तिरछा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड जितना फैब्रिक फोल्ड करना है उस हिसाब से निशान लगा लेना है। तो गाइस, हम 2 इंच लगभग चौड़ी पट्टी रखेंगे। तो इस तरह हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे और स्केल से सीधा लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा फैब्रिक 2.5 इंच हो गया फोल्डिंग के लिए। लंबाई हमारी 33 इंच है तो 33 इंच का निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और स्केल रखकर कुछ इस तरह से सीधा लाइन बना लेंगे। अपनी साइड में लगभग 1/2 इंच का निशान लगाकर और सीधा नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है कुछ इस तरह से। तो गाइस, हमारा हिप का साइज 39 इंच है। जब हम 39 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9.5 इंच 2 पॉइंट आएगा। तो गाइस, जितना हमारा हिप का मेजरमेंट हो उसको 4 से डिवाइड करके हम कमर के लिए निशान लगाते हैं। तो गाइस, इस तरह हमने 2 इंच मार्जिन का लिया। अब हम नीचे के लिए आसन का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा कमर का निशान आया उतना ही हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हमारा 12.5 इंच आया है, तो इतना ही हम कमर का निशान लगाएंगे। तो गाइस, कमर का निशान लगाते समय याद रखना है, क्योंकि हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन लिया है उसको छोड़कर हमें 12.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो गाइस, हमारा 12.5 इंच आया है। आपका जितना आया हो उस हिसाब से निशान को लगाना है, स्केल रखना है और आसन वाली लाइन को सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड सामने से टेप को रखकर चेक कर लेना है कि हमारा बराबर आना चाहिए। जितना ऊपर हो उतना ही नीचे आना चाहिए। तो गाइस, हमारा निशान थोड़ा आउट हो गया है क्योंकि हमें 12.5 इंच पर निशान को ले आना है। तो इस तरह से हमने सीधा लाइन को कर लेना है और इस तरह लगभग हमारा 2 पॉइंट बाहर की साइड लाइन चला गया है। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब हमें क्रॉच का निशान लगाना है। तो गाइस, हमारा हिप का साइज 39 इंच है, तो 39 साइज हमारा एम साइज में आएगा, मीडियम साइज में आएगा। अगर इससे छोटा साइज हो, जैसे कि 34 हो 36 हो, तो गाइस ये निशान हम 1.5 इंच का लगा सकते हैं क्रॉच वाला। तो हमने बाहर की साइड 2 इंच पर निशान लगाया है। अगर इससे हैवी साइज हो तो गाइस 2.5 इंच बाहर की साइड निशान को लगाएं और इस तरह स्केल रख के लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम मोरी के लिए सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह टेप को रखेंगे, क्रॉच वाले निशान से टेप को रखेंगे और जो हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो वहाँ तक टेप को रख कर इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और बीच का सेंटर निकालेंगे। तो गाइस, देख सकते हो हमारा एक साइड का निशान 7 इंच आया है। तो गाइस, जितने निशान लगाना है इस लाइन को छोड़कर सारे निशान को लगाना है, क्योंकि गाइस हम ऊपर की साइड भूल गए हैं बोलना। इसी तरह नीचे की साइड टेप को रखकर 7 इंच का निशान लगा लेना है, स्केल रखना है और सीधा स्ट्रेट लाइन कर लेना है। इससे हमें सेंटर मिल गया है। जो हमारा बीच का लाइन है उसी जगह से टेप को रखकर 3.5 इंच का निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से। इसी तरह हम दूसरी साइड 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। आप हमें सेब पट्टी लेकर और कुछ इस तरह से इसमें सेब को दे देना है। तो गाइस, अगर ट्राउजर पैंट की कटिंग कर रही हूँ तो ये सेब पट्टी रखना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर बिगनर्स लोगों के लिए, ज़्यादा महंगी नहीं आएंगी। अगर गाइस सेफर पट्टी ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, हम ज़रूर एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिससे बिना सेफ पट्टी के निशान लगा सकेंगे बड़े आसानी से। अब हम क्रॉच की साइड गुलाई देंगे। तो गाइस, गुलाई हमें ज़्यादा गहराई से नहीं देना है,
तो गाइस हम निशान लगाकर दिखाएंगे। इस तरह से हमें गोलाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, ये निशान हमारा बिल्कुल गलत है। तो फाइनली हमारी निशान लग चुकी है, इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हमें बॉटम की साइड 2 इंच का निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से, और कट्स लगा लेना है। तो गाइस जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बैक पल्ली की कटिंग करेंगी तो इस तरह फैब्रिक को हम उल्टी साइड में डबल फोल्ड करके बिछा लेंगी चौड़ाई में, जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए बिछाया है, और इस तरह उसी के ऊपर हम फ्रंट पल्ली को सेट कर लेंगे। नीचे की साइड जो तिरछा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो गाइस हम बैक पल्ली में चेंजिंग करेंगे आसन की साइड से, हमें अपनी साइड से कोई चेंजिंग नहीं करनी है, अपनी साइड अच्छे से फैब्रिक को मिलाना है, ऐसा ना हो कि एक छोटा पल्ला हो जाए और एक बड़ा हो जाए। जो हमारा क्रॉच का निशान लगा हुआ है वहाँ से टेप को रखकर 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है, क्योंकि गाइस हमारा मीडियम साइज का पैंट है। तो इस तरह हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, अगर हैवी साइज हो तो ये निशान हम 2.5 इंच का लगाएंगे, अगर इससे छोटा साइज हो तो ये निशान हम 1.5 इंच का लगाएंगे। तो इस तरह हमें 2-2 इंच बढ़ा लेना है। क्रॉच की साइड हमने 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाया, और आसन की लंबाई के लिए हमने 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाया, और इस तरह स्केल रखकर लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम कमर की साइड लगभग 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, इस तरह टेप को रखेंगे और 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। तो गाइस ये निशान हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम आगे वाले पल्ले में अलग से पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे, तो उसी का निशान हमें पीछे वाले पल्ले में कुछ इस तरह से लगा लेना है, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हम 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड करके इलास्टिक डालेंगे, तो वही निशान हमने पीछे वाले पल्ले में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें आसन की साइड से टेप को रखकर 2 इंच का निशान लगा लेना है, और तिरछे में स्केल को रखकर इस तरह तिरछा लाइन कर देना है। तो गाइस यहाँ थोड़ा समझ लेना है, हमने आसन की साइड बैक पल्ले को किस लिए 2 इंच बढ़ाया है ऊपर की साइड। तो गाइस हमने यहाँ पर इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जो लेडीज का पीछे का भाग होता है वो थोड़ा हैवी होता है, जब हम बैठते हैं तो बैठते समय हमारा जो पैंट होता है वो नीचे की साइड खिसकने लगता है। अगर इस तरह से हम आसन की साइड बैक पल्ले को 2 इंच फैब्रिक को बढ़ा लेंगे तो बैठते समय ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, हमारा पैंट नीचे की साइड बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब हमें नीचे बॉटम की साइड 2 इंच का निशान लगा लेना है, और इस तरह एक बीच में 2 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमें सेफर लेना है और कुछ इस तरह रखकर सीधा निशान को कर लेंगे सेफ पट्टी से। तो गाइस हमने आसन की साइड हमने पूरे पैंट को 2-2 इंच ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ा लिया है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो गाइस यहाँ अच्छे से नोटिस करना हर एक स्टेप को, और इसी निशान पर हम फाइनली कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमारा जो साइड में फैब्रिक बचा है उसमें हम पॉकेट कट करेंगे, तो इस तरह डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेना है उल्टी साइड में। पॉकेट की लेंथ 14 इंच रखेंगे तो 14 इंच पर निशान लगा लेंगे, स्केल से सीधा कर लेंगे। तो गाइस हम पॉकेट की चौड़ाई लगभग 5.5 इंच रखेंगे, और इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। नीचे से पॉकेट में गोलाई देंगे कुछ इस तरह से, कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पॉकेट को कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो गाइस हमने बैक पल्ले को लिया, जो हमारी सीधी साइड है वो अंदर की ओर है और उल्टी साइड बाहर की ओर है। आसन की साइड इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे, और इसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें फ्रंट पल्ले में 1/2 इंच का निशान लगाकर और इसी निशान पर सिलाई लगा लेना है आसन की साइड सबसे पहले। तो इस तरह हमने आसन की साइड सिलाई को लगा लिया है, सिलाई लगाकर और ऊपर से हमें एक टॉप स्टिच लगा लेना है, और इस तरह आसन की साइड से टेप को रखकर 4.5 इंच का दोनों साइड निशान लगा लेना है।
लंबाई का निशान लगभग 5 इंच पर लगाएंगी। तो गाइस इस पर हम प्लेट बनाएंगी फ्रंट पल्ले में, और इस तरह प्लेट की चौड़ाई हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड, तो हमारी पूरी प्लेट की चौड़ाई 2 इंच रहेगी। और इस तरह हमने प्लेट का इसमें शेप दे दिया है स्केल से। इसी पर हम प्लेट की सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम पल्ले को पलटकर सीधी साइड में बिछा लेंगे। जो हमारा पॉकेट है उसको हम सीधी साइड में पल्ले के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें ऊपर से टेप को रखकर 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है तो 2.5 इंच के निशान से टेप को रखकर 5.5 इंच का निशान लगा लेना है। अंदर की साइड 2 पॉइंट का निशान लगाकर इस तरह ऊपर तक मिला लेंगे जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ है। इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। सिलाई के बाहर हमें कट लगा लेना है दोनों साइड। तो गाइस कट हमें 2 पॉइंट ही लगाना है चौड़ाई में, और इस तरह पॉकेट को पलटकर उल्टी साइड में टर्न कर देंगे। और इस तरह हम इसमें सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। तो हमने सिलाई को फाइनली लगा लिया है। अब हमें पॉकेट को स्ट्रेट कर लेना है। बीच से पॉकेट को पकड़कर डबल फोल्ड करना है। तो गाइस ध्यान रखना है पॉकेट को डबल फोल्ड नीचे की ओर करना है। नीचे की साइड इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाकर इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है। और इस तरह हैंड डालकर पॉकेट के अंदर पॉकेट को सीधा कर लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से पॉकेट आ गया है। अब हमें सारे पार्ट्स को कुछ इस तरह मिला के पकड़ लेना है और पॉकेट को उल्टी साइड में पलट देना है। और इस तरह हम इस पर पॉकेट में सिलाई लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाए हुए हैं इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस ध्यान रखना है सिलाई लगाते समय जो हमारा पॉकेट का फेस है उस पर हमें बिल्कुल भी सिलाई को नहीं लगाना है। इस तरह इस पर हमने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हो हमारा कितने अच्छे से पॉकेट बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमें बुकरम का एक पट्टी कट करना है 1.5 इंच की चौड़ाई में। और इस तरह हमें एक फैब्रिक की पट्टी लेनी है। तो गाइस फैब्रिक की पट्टी कट करते समय ध्यान रहे जितनी हमारी बुकरम की पट्टी है उससे हमें 1 इंच ज़्यादा पट्टी लेनी चाहिए फैब्रिक की, जिससे हमारा दोनों 1/2 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा रहे फैब्रिक। और इस तरह 1/2 इंच ऊपर की साइड पलट कर सिलाई लगा लेंगे बुकरम के ऊपर। अब हम पल्ले को उल्टी साइड में पलट लेंगे। और इस तरह जो हमने बुकरम का बेल्ट बनाया है उल्टी साइड से रखकर अटैच कर लेंगे और सीधी साइड में पलट कर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें फ्रंट पल्ले को सीधी साइड में बिछा लेना है। उसी के ऊपर बैक पल्ले को उल्टा सेट करना है कुछ इस तरह से। और जो हमारा बॉटम की साइड कट लगा हुआ है वहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरह इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दोनों साइड में सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस देख सकते हो हमने सिलाई को दोनों साइड लगा लिया है और पॉकेट का लुक हमारा कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब हमने जो सिलाई लगाया है इसी के ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे हमारा पीछे साइड का मार्जिन भी सेट हो जाएगा और हमारी डबल सिलाई भी हो जाएगी। तो गाइस सिलाई को हम बिल्कुल किनारे लगाएंगे, बिल्कुल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारा फ्रंट का होगा और ये हमारा बिल्कुल दिखेगा। जो हमारा पीछे साइड का सिलाई मार्जिन है उसको हम पलट कर बैक वाले पल्ले की साइड कर लेंगे। तो गाइस सिलाई लगाते समय ध्यान रखें सिलाई हमें बैक वाले पार्ट्स के ऊपर ही लगानी है कुछ इस तरह से।
हैंड से अच्छे से फैब्रिक को सेट करते जाएंगी और सिलाई लगाते जाएंगी। तो गाइस इस तरह हम बैक पल्ली को फोल्ड करेंगी नेफा बनाने के लिए, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगी। तो आगे वाली पल्ली में हमारा बेल्ट लगा हुआ है, तो जितना भी पल्ला बढ़ती हो आगे वाले से उतना ही हम फोल्ड कर लेंगी और नेफे की चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई हो। पहले नाप लें, उसके बाद में इस तरह नेफे को फोल्ड करें। तो गाइस हमने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कटिंग स्टिचिंग हमने दोनों को दिखाया हुआ है। अब हम इलास्टिक डालेंगे, तो अच्छे से यहाँ देखना कि हम इलास्टिक कितना डालें जो हमारा परफेक्ट आए। जो आगे वाली पल्ले में आसन की सिलाई लगी हुई है वहाँ से इलास्टिक रखेंगे और इस तरह जो हमारी साइड वाली सिलाई लगी हुई है वहाँ इलास्टिक को नाप लेंगे वहीं तक, और जितना इलास्टिक आए उसमें हमें लगभग 2 इंच और बढ़ा कर लेना है और इस तरह इलास्टिक को कट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ देख सकती हो जो हमारी साइड में सिलाई लगी हुई है वहाँ से हम इलास्टिक रखेंगे। जो बीच में आसन की सिलाई लगी हुई है उससे हमें 2 इंच इलास्टिक बढ़ा कर लेनी है। तो इस तरह अगर इलास्टिक कट करेंगी तो हमारी इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी। कितना भी हैवी साइज हो, कितना भी छोटा साइज हो, अगर इलास्टिक इस तरह से नाप कर डालेंगी तो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी ट्राउजर पेंट में। अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को नेफे के अंदर कुछ इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह हमें दूसरी साइड इलास्टिक को निकालकर पिन को हटा देना है और सिलाई से अच्छे से इलास्टिक को टक कर लेना है दोनों साइड में। तो गाइस अगर हमारे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक का लुक आया हुआ है। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगी, तो इस तरह ट्राउजर पेंट को पलटकर हम उल्टी साइड में बिछा लेंगी। जो हमारी आसन की सिलाई लगी हुई है वहाँ से हम कुछ इस तरह से पकड़ लेंगी और एक हैंड से पीछे की ओर पकड़कर खिंचाव करेंगी और इस तरह सिलाई लगाती जाएंगी। एक हैंड से हमें पीछे की साइड अच्छे से खिंचाव करना है तभी हमारी सिलाई लग पाएगी। जो धागा निकले हो उसको फिनिशिंग से कट कर लें। तो फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब हम नीचे की साइड बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक बनाएंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार पलटकर सिलाई लगा लेंगे। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 2 इंच पलटकर सिलाई लगा लेंगी। इसी तरह हम दूसरी साइड 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगी और 2 इंच पलटकर सिलाई लगा लेंगी। तो कुछ इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। इसी तरह हमें दोनों साइड बॉटम को फोल्ड कर लेना है। अब हमें पेंट को पलटकर उल्टी साइड में बिछा लेना है और कुछ इस तरह बॉटम की साइड 6 इंच पर निशान लगा लेंगी। इसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगी और एक सिलाई लगाकर इसको पूरा हम क्लोज कर लेंगी। आसन की साइड हमें अच्छे से दोनों आसन की सिलाई को मिलाकर सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेना है और हम इस तरह दूसरे साइड की बॉटम को 6 इंच नाप लेंगी और निशान लगा लेंगी। निशान को शेप में लगाएंगी और सिलाई अच्छे से लॉक करके धागा को कट कर लेंगी। तो गाइस फाइनल लुक कुछ हमारा इस तरह से आया हुआ है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।